होंगे और जावेद अहमद का शकील आई हैव टू डू दिस बिकॉज़ यू नो अंकल उर्फी एंड आई और किरण खान आई डोंट नो व्हाट एंड आई यस आई मैं तो करूंगी मैं तो इतना क्रश हमें उनके ऊपर और वी लव्ड हिम हियर वाज दिस वर्जन ऑफ टोनी कर्टिस रनिंग अराउंड इन पाकिस्तान और क्या हसीन आदमी माशाल्लाह भी मैं तो माशाल्लाह फिर उनके साथ जावेद शेख भी होगा तो हम जरा से ऐसे हो गए ना क्योंकि फिल्मों शिल्मों में काम बहुत किया वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और हम इस वक्त बैठे तीन लिविंग लेजेंड्स के साथ इसकी जो थीम है दैट इज रीयूनियन ऑफ अनकही क्योंकि हम अनकही की कास्ट को बड़ी मुश्किलों से रिक्वेस्ट करके हमने एक अपने शो पे उनको इनवाइट किया है सो आई वुड लाइक टू थैंक शकील साहब ही इज विद अस अस्सलाम वालेकुम जी वेलकम जावेद शेख साहब सर वेलकम एंड मिसबा इसहाक खालिद वेलकम भाई इतना खूबसूरत एक फ्लैशबैक शहनाज आपको देख के कुछ याद नहीं आ रहा अनकही बहुत ज्यादा और मेरा ख्याल है कि बहुत हम तीनों और बल्कि चारों हम सालों बाद शायद इकट्ठे हुए यस यस शकील साहब से तो हुई थी मेरी मुलाकात जब एक दफा ये लाहौर आए थे गलती से आई थिंक एंड बट वो भी बहुत साल बाद आई मेट हिम और मिसबा से भी द लास्ट टाइम आई मेट वाज इन लाहौर वो भी आई मेट हर आफ्टर लाइक नियरली 30 years और जावेद से आई थिंक तकरीबन लाहौर में एक दफा मिली थी वो भी तकरीबन कोई 20-25 साल हो गए मगर ये इकट्ठे होना चाह जो शहनाज है वो 6 years ago मेरे ही शो पे लाहौर में उनको मैं खींच के लाया था शी इज ऑलवेज बीन सो काइंड हमेशा इतना वो प्यार करती है कि वो मुझे इनकार नहीं करती तो इनकार नहीं किया तो जब मैं इस दफा मानी हूँ कि मैंने कहा चलो मैंने कहा आई कांट से नो टू हिम अप आई नीड टू डू दिस तो आसिम ने कहा कि मैं फिर निचोड़ लूँ ना इसको तो इसने खिंच के ना इसको दो एपिसोड्स में ले गया मुझे अब समझ आ लेकिन आपको पता है ये जो सारे आपके लिए सरप्राइजेस आसिम ने प्लान किए थे वो इसीलिए सो दैट नेक्स्ट टाइम आई वाज अमेज्ड एट द होमवर्क ही इज डन माय गॉड बहुत ज्यादा काम किया बहुत ज्यादा बट आई थिंक मेरे ख्याल में आसिम ये बहुत जबरदस्त आइडिया तुम्हारा क्योंकि ये दोनों प्रोग्राम जो हैं अनकही और तनहाइयां ये भुलाए नहीं भूलते और ये टेलीविजन की तारीख के वो अनमोल ड्रामे हैं जो जिनको एक वक्त के साथ आप लफ्स क्लासिक सब कहते हैं क्लासिक के पीछे माने क्या होते हैं कि ये जिस दौर में भी दिखाया जाएगा इतने 40 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो आज के बच्चे हमको अनकही की बातें बताते हैं अनकही ड्रामों की कहानी बताते हैं तो इसका मकसद ये हुआ है कि ये उतना ही फ्रेश है आज भी बिल्कुल और आने वाले दिनों में भी इतना ही रहेगा मुझे याद है कि द फर्स्ट टाइम व्हेन दे केम टू आस्क मी टू डू द प्ले तो मैंने कहा अच्छा और कौन होगा मेरे साथ आई वाज जस्ट बैक फ्रॉम कॉलेज छुट्टियां मनाने इधर कराची आई हुई थी लाहौर से तो उन्होंने कहा कि अच्छा आपके साथ है दैट वाज अजनबी आई थिंक है ना जो हमने शुरू किया था बेसिकली दैट वाज द सेम तो उन्होंने कहा कि शकील होंगे और जावेद अहमद के शकील आई हैव टू डू दिस बिकॉज़ यू नो अंकल उर्फी एंड आई और किरण खान आई डोंट नो व्हाट एंड आई यस आई मैं तो करूंगी मैं तो इतना क्रश हमें उनके ऊपर और वी लव्ड हिम हियर वाज दिस वर्जन ऑफ टोनी कर्टिस रनिंग अराउंड इन पाकिस्तान और क्या हसीन आदमी माशाल्लाह भी मैं तो माशाल्लाह फिर उनके साथ जावेद शेख भी होगा तो हम जरा से ऐसे हो गए ना क्योंकि फिल्मों शिल्मों में काम बहुत किया यू नो कि जरा मुझे तो इस चीज का वाकई पता नहीं था कि शहनाज ने क्या कहा था महमूद मसूद हमको एक दो दफा विजिट करने आए थे सेट पर उन्होंने इसे शिकायत की कहने कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी आपके साथ काम करने की मगर आपने तो हमें खास ही नहीं डाली आपने तो इनको चूज कर दिया उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या कहा कि मुझे चूज कर दिया गया बाद में शहनाज कह रही हैं तो वो इनकी ख्वाहिश पे मैं कहती हूं द अमेजिंग अमेजिंग थिंग इज कि जो टाइमिंग्स है ना आई डोंट थिंक देयर कैन बी एनी अदर गाय हु कैन डू कॉमेडी लाइक जावेद शेख एज एन एक्टर एज अ हीरो क्या अमेजिंग कॉमेडी की टाइमिंग है इट कम्स टू हिम नेचुरली ये एंड बेहरोस आई वॉज वेरी लकी आई थिंक दे वर देयर विद मी बिकॉज इट वॉज ऑल कॉमेडी यू नो द होल थिंग वॉज लाइक दैट इनके साथ तो सीन बिल्कुल फर्क होते थे लेकिन ही हैड एन अमेजिंग टाइम ये सारे जो साइलेंट सीन्स थे ना दीज वर अरशद महमूद बेबी ये उसने परसीव किए थे अच्छा यार डिड यू नोटिस कि दीस आर वेरी वेस्टर्न सॉर्ट ऑफ आइडियाज द सिनेरियोस द साइलेंट वेयर देयर वाज नॉट डायलॉग्स तो इट वाज अरशद महमूद जिन्होंने ये सीन्स कहा कि ये अच्छा
How wonderful. Amazing. I was wondering, मैंने सुना है कि PTV में ड्रामा शूट स्टार्ट होने से पहले रिहर्सल होते हैं। Oh yeah. So how long were those rehearsals held? It depended कि कौन कितना उस वक्त कोई एक्टर जो है किस स्टेट ऑफ माइंड में. यूजली हमारे कैमरा रिहर्सल्स होते थे, कोई 4-5 होते थे. Okay. उसके बाद बिकॉज कैमरा रिहर्सल इज फॉर द कैमरा मैन, कि उन्होंने हमारी भी हो जाती थी रिहर्सल कि हमने कहाँ खड़े होना है, कहाँ. तो स्विचिंग इतनी क्विक होती थी कि उनके लिए होता था. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ कैमरा रिहर्सल, कि उन्होंने हमें सेट करना होता. फिर उसके बाद टेक होती थी. अब टेक में इट कुड गो एनीवेयर. मुझे याद है एक सीन था, वो आखिरी सीन था, तो शोएब मंसूर ने कहा कि इसको हम बाद में कर लेंगे, ठीक है ना. तो मैंने, मेरा रोल था, मैंने सिर्फ खड़े होना था और जावेद ने लाइंस बोलने थे. और जावेद ने ना तारी करा हुआ था ना पूरा अपने ऊपर, बड़ा सैड और डीप और बड़ा मोनोलॉग. इट वॉज अ लॉन्ग दिस. इन्होंने 12 बजे शुरू किया हमने वो करना, एंड वी फिनिश्ड एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग बिकॉज ही वोंट गेट इट राइट. आप सुबह से लगे हुए और फिर उसके बाद ये कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाते हैं, इसने बाकी भी सारा दिन रिकॉर्डिंग कराई है, वो भी कहा. फिर लाइट्स जो है ना, दे कैन बिकम वेरी हिप्नोटिक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड यू कैन स्टार्ट जस्ट लूजिंग इट. मेरे साथ हुआ कि एक छोटी सी बात थी, मैंने कहा था है ये है या पता नहीं क्या, एंड आई गेव लाइक अबाउट 10 or 20 टेक्स. आई वुड पुट माय हेड आउट एंड आई वुड जस्ट गो ब्लैंक. तो ये इस तरह से होते थे हमारे साथ. एक बात ये है कि हसीना के प्लेस की एक बड़ी खासियत ये थी कि हसीना के जो जुमले होते थे वो ऐसे जुमले होते थे कि उनको एक्टरों को खासतौर पर याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती. आम जिंदगी की जो बोलचाल है, जो गुफ्तगु है, कोई वही अल्फाज इस्तेमाल करती थी. और अगर यू नो शी इज़ ये नहीं कि मेरी दोस्त है, मेरी करियर की, मगर ये कि इसका ये पहला मेजर सीरियल था जो उसने किया था कहीं, बट शी इज़ ए गॉड गिफ्टेड आर्टिस्ट. तो इसने उस चीज़ को ऐसा से एब्जॉर्ब कर लिया था कि कमिंग फ्रॉम लाहौर एंड नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ एक्सेंट, बट उस सारी चीज़ को इन्होंने इस तरह से ओढ़ लिया था अपने ऊपर. कि जब खासतौर पर मेरे अपने, क्योंकि मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन सिर्फ शहनाज के साथ और या काजी वाज साहब के साथ और एक छोटा सा चंक अदक था जी. तो शहनाज और मेरी केमिस्ट्री कुछ इस किस्म की बन गई थी वो पीरियड ऑफ टाइम कि हमारे सीन जो थे वो एक ही टेक में हो जाते और एक सीन खासतौर पर जिसमें बहुत ज़्यादा मुझे बोलना था और शहनाज सिर्फ खामोशी से सुन रही होती है, तो वो एक पूरा सफा था. अच्छा. अब वो अल्लाह की वजह से एक ही टेक में हुआ. टेक में हो गया. Okay. मेरा काम होता था कि जहाँ मैं एक देखती थी ना कि एक सफ़े पे या दो सफ़े पे मेरी लाइनें हैं, तो मैं जाके पांव पकड़ लेती थी सीना मोइंगे कि इनको काट. मैं कहती थी काम करते प्लीज, मेरे से नहीं बोला जाएगा, इतनी ज़्यादा उर्दू नहीं मैं बोल सकती. और फिर वो बड़ा आपसे पूछूंगा, आपका भी ये जब शुरू किया अंकही ने, यू प्लेड हर फ्रेंड और उसके बाद you went or aapne kya kiya, I think it was your first also, my second. I've done just a little bit little of bit, or hum log to bilkul jaise ki you know I brought to Ankahi and, and it was just, I think we were an amazing family actually. You should actually live there. Abhi ke artist jo hote na wo kehte hain ki ji acha ji ye scene kya hai hamara, ye is type ka nahi tha. The whole thing was, I remember ko naraz ho jata tha to puri family jaake usko manane ke liye aati thi. You know, those kind of things, ki you were together and you were just connected for the whole serial, and I think that is what really brought the beauty outside. Yes. Because jo piche ho raha hota hai na us screen pe zarur hota hai, screen pe abhi aapko thode place cold lagte hain, you know, watching you don't get connected that. Yes. I mean, everybody was in love with Sana Murad. Oof. They were naming their children after Sana Murad. Yes, of course. You know, it was even a India mein na to kisi ke Sana Murad. You know, bata raha tha ki India mein kisi ka bachche ka naam hai, pata nahi Sana wo Sana Kapoor. Something to Sana Kapoor, but she was born at the Ankahi time. So you know, they wanted to. Oh, wow. my own daughter-in-law was named after this play. Sana. Even my bhabhi Sana. Wow. All girls were born during that time. Ultimately, Sana bahut. And I remember the first time we went, मैं पहली दफा शहनाज से तब भी मिली थी, and Shoaib Mansoor had taken us for photograph because Ankahi opens with those pictures. हाँ pictures. She's coming to my house and I open the door and she's like, you know, वो वाला वो पहला scene जो था ना हमारा. And वो actually. I remember के जब पहली किस चली ना, तो हमने अपने घरों में देखी जाहिर है.
तो अगले दिन हम आए तो आई वाज वेरी एक्साइटेड ना, तो गेट पे हमें अपना पास लेना पड़ता था, यू रिमेंबर, तो देखा क्या कि जावेद और बहरोज खड़े थे, तो मैंने कहा हाउ वाज इट, हाउ डिड इट गो, यू नो, एंड जावेद जस्ट लुक्ड एट मी लाइक दिस, कि बड़ा स्ट्रेंजली उसने मुझे देखा, कहते हैं इट वाज गुड एंड you know you're very photogenic. And I said, oh, what did you mean by that? No, he meant the cameras were kind to me, you know. So saath hi na ek gaadi piche se aise karke guzri aur pata nahi 5-6 uske andar logon ne aise mujhe wave kiya, hey sala ye karke, and I just froze. Jab wo chale gaye na, he told me, maine aaj tak wo baat bandhi, he said, never ignore your fans. If they wave at you, you wave back. Wow. Otherwise, they'll hate you. This is what he said. He doesn't remember. He doesn't remember a lot of things. Right? But these are things which I learned from them, you know, and they have been with me all my life. Because you, ye dekhe na, aapne jab ek cheez ko bhukta hota hai, and very intelligent advice. Achha ji, opening ka aapne zikr kiya hai. Let's share with our audience. Wow. Wow, what memories! I both. I can't so believe gorgeous. That sweater so, I'm wearing. We're so young. Shiraz, we're so young. I know. Why am I wearing that sweater? Like, the curly hair. Why am I wearing that sweater in Karachi? Bhai, sardi hogi na. It must have been cold. You guys look so fresh and, you know, with minimal makeup. Kya focus, emphasis hota tha usme makeup? Youth. But makeup pe itna, I think itna koi focus bhi nahi tha us zamane mein, or you guys really got really. No, it was all not about really. Work. They had no hair dryer at the makeup in Pakistan. Yes. Koi hair dryer nahi hota. We are going to take a break. But Misra, thank you so much for joining us. आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला, क्योंकि ये एक रियूनियन थी और शहनाज ने मुझे कहा कि मिसबाक को तुमने ना बुलाया. तो पहले मैंने जब कॉल की तो शी थॉट के आई एम रिकॉर्डिंग इट इन इस्लामाबाद. अच्छा. तो शी सेड के मैं, मेरा तो कोई फेस्टिवल है, तो मैंने कहा जी मैं कराची में कर रहा हूँ, तो आप आ जाए. तो उन्होंने कहा कि ओके, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू कम. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी. इट वाज ग्रेट. इट्स लवली टू सी द फैमिली अगेन एंड एवरीबॉडी. थैंक यू फॉर कमिंग. ये खूबसूरत मिसबा की तरफ से उनका ये मेकअप का बॉक्स है. थैंक यू सो मच. थैंक यू मुसरत. और ये हाशमी काजल की तरफ से उनका एक गिफ्ट बॉक्स आपके लिए. सुरमा लगा के आऊंगे. थैंक यू जी. थैंक यू हाशमी. एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज. बहुत शुक्रिया. वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे. शायद ही हिस्ट्री में टेलीविजन की कोई एक्टर मेल या फीमेल ऐसा रहा हो जिसने दो प्लेस किए हों और वो हमेशा हमेशा के लिए किसी इंस्टीट्यूशन की, किसी मीडियम की, उस मुल्क के मीडियम की पहचान बन गया हो. और अभी भी जब भी टेलीविजन का नाम लिया जाता है, सबसे पहले दो ड्रामों का नाम लिया जाता है, अनकही, तन्हाइयां, धुप किनारे. सो आई थिंक व्हाट यू पीपल हैव बीन एबल टू डू, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हु यू आर, फॉर डूइंग व्हाट यू डिड, फॉर डूइंग इट सो वेल. एंड वी स्टैंड हियर टुडे प्राउड, एंड व्हाटएवर लिटिल वी आर एबल टू डू इज बिकॉज वी हैड यू बिफोर अस. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम शहनाज़. बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर, और मुझे यकीन है कि लोगों को जहाँ आपकी प्यारी प्यारी सी शक्ल और आपकी, आपके ड्रामे और आपका कैरेक्टर याद है, वहाँ पे मुझे ये बताना मेरा फ़र्ज है कि मैं उनको बताऊँ कि किस तरह आप ख़वातीन के लिए मेरे साथ शाना मशाना रही हैं, और ख़वातीन के लिए आपने जो कदम उठाए हैं, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू. थैंक यू शहनाज़ शेख. इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम. आप चली गई कराची से. कराची आज भी आपको मिस करता है. मुझे भूलता नहीं है कि आपकी अनकही जब चला था तो शादी हॉल बंद हो जाते थे, या वो कहते थे कि टीवी होगा तो हम आएंगे. व्हाट एन आइकॉन. और आपने ये एक चीज़ प्रूव की है जो मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोग कर पाए हैं. ज़्यादा काम ज़रूरी नहीं है, अच्छा काम ज़रूरी है. आपने वो किया. सो प्राउड ऑफ यू. एंड गॉड, यू वर द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन दैट वी हैड एवर सीन. वाओ. गुड लक ऑलवेज. प्राउड ऑफ यू. जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और हम इस वक्त बैठे हैं तीन लिविंग लेजेंड्स के साथ, और अनकही की एक तरह से रीयूनियन हम लोग कर रहे हैं अपने व्यूअर्स के लिए. जी सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आप लोग टाइम निकाल के और ये एक महफिल सजाई हुई हम लोगों ने. देखिए, कोई शुक्रिया की बात नहीं. ये वो प्रोग्राम है जिसके लिए आप जब जहाँ कहें हम आने को तैयार हैं. क्यों जाते थे? बिल्कुल. यस. अच्छा, एक और बहुत मज़ेदार बात है मेरे जहन में शहनाज. ये जो ड्रामा है अनकही जी, इसके जो माने हैं जी, वो सिर्फ एक ही किरदार के ऊपर लागू होते थे. अब वो किरदार था तैमूर का जी. अनकही के माने क्या है?
कही के माने वो बातें जो नहीं कही, नहीं कही। तो वो बातें वो नहीं कह सका सना मुराद से जो उसके दिल में थी, जो उसके दिल में थी जी। तो अभी भी हम जो बातें कर रहे हैं, हम सब बातें वो कर रहे हैं जो अनकही नहीं थी जी। हम अनकही इसके अलावा वो बातें कर रहे हैं जो अनकही में नहीं कही गई थी जी, अनकही से मुताबिक है। तो ये मेरे ख्याल में बहुत अहम बात है कि आज हम उस प्रोग्राम को डिस्कस कर रहे हैं जिसके माने ये थे कि बहुत सारी बातें जो नहीं कही जा सकती, आज हम वो सारी बातें कहेंगे जो उस वक्त नहीं कही। बिल्कुल। और आपने देखा कि सना मुराद ने भी नहीं कही तैमूर साहब को, उसकी भी फीलिंग्स थी। वो बीच में तो फराज साहब आ गए और वो ले उड़े, वो जमाने और थे ना, तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं। वो इतनी कांस्टेंट मोहब्बत थी वन साइड, उनके ना कहने की वजह ये थे कि आदमी इतना खुरार था ये साथ लड़की को चैन ही नहीं देने देता था, उस तरह डांट डांट के उसको सबमिट कर दिया। बट द फीलिंग वर देयर फॉर बोथ एंड्स, बट बात ये कि कहीं नहीं गई। दिस इज अगेन अर्शद, ही इज ऑल दी सीन्स, ही इज डिड दिस ओके, बट आई एम अमेज्ड ही कुड कीप अ स्ट्रेट फेस एंड यू नो डू दैट। आपको रखनी पड़ती थी बिकॉज ही वाज वेरी विद इट। तो क्या आप लोग एक रात पहले अपनी सारी लाइंस लर्न कर आते थे? और अल्लाह माफी अगर कोई एक्टर हो जिसको लाइनें ना याद होती, ओ माय गॉड, उसकी जितनी बेइज्जती होती थी। केमिस्ट्री कैसी बन गई थी जिसमें हमने दो तीन रिहर्सल हमने की और उसके बाद फिर हमने कहते हैं ओनली पर्सन जो बहुत ज्यादा भूखते थे ना अपनी लाइन में वो सेलिना आसिफ साहब थे, बट वो इतने सीनियर आर्टिस्ट थे कि हमको कोई कुछ कह नहीं सकता था। हम लोगों में से तो आपस में ही हम एक दूसरे की क्लास ले लेते थे ना कि क्या मतलब है कि क्या कहते थे, देयर वाज अ टर्म दैट यू एंड बेरोज टुक आउट, गबल्ले कहते थे क्या, गबल्ले 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 कुछ कहते थे कि अगर कोई बोले तो शुरू हो जाते थे। तो इट वाज लाइक कंसीडर्ड वेरी अनप्रोफेशनल if you didn't know your lines. And were you guys ever allowed to improvise या फिर word to word ही जो script? मैं तो कर लेती थी, हो जाता है। और actually director को अच्छा लगना चाहिए, अगर वो उस character और उसकी उसमें सब fit होता है तो it has to stay in the character. ये serial जो था इसकी एक episode करते थे शोएब अख्तर साहब और एक मोहसिन अली साहब, एक मोहसिन साहब करते थे because I don't know why, लेकिन I think शोएब साहब के उस्ताद भी थे मोहसिन साहब, तो उन्होंने कहा कि एंड इट वाज हिज फर्स्ट सीरियल एंड ही वांटेड हिम टू बी देयर ओके। तो बिल्कुल फर्क डायरेक्टर्स थे दोनों, क्यों बोथ ऑफ देम उसके अलावा भी ये के दो दो प्रोड्यूसर करते थे प्रोजेक्ट करते, मगर ऐसी कोई नई बात नहीं। बड़ा फेमस सीन अनकही के दौरान, शूटिंग के दौरान जो हमारी हीरोइन थी वो कहीं गायब हो गई और किसी बाथरूम में जाके घुस गई। हुआ क्या, पहला सीन मेरा ठीक है अनकही का, और वो जो बच्चा था ना मेरे साथ, व्हाट वाज हिज नेम, जिब्रान। तो पहला सीट और शोएब हिमसेल्फ वाज आल्सो वेरी नर्वस सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, और वो कटिंग खुद करता था ना, स्विचिंग खुद करता था, वरना तो मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स जस्ट कट टू कैमरा वन कैमरा, ही वुड डू इट। तो ही वाज लाइक यू नो वेरी इंटेंस, ही इज अ वेरी इंटेंस डायरेक्टर। अभी मैंने शुरू किया, ऊपर से आवाज आई, नहीं नहीं ये नहीं ठीक है, इसको दोबारा करो, इसको फिर से करो रीटेक। अच्छा मैंने फिर किया, नहीं जी आप ऐसे करें, इसको दोबारा करें, फिर किया, थर्ड टाइम ही शाउटेड एट मी, सुनती सारी चीज गोली की तरह मैं निकली, मुझे समझ ही ना आया मैं किधर जाऊं। तो आई वेंट इनटू द लेडीज रूम एंड आई लॉक मायसेल्फ। थोड़ी देर बाद तो लेडीज रूम के अंदर मोहसिन साहब ये जो सीन अभी आपने दिखाया जी जी, जावेद भी और मैं खान बशन सब गवाह इस बात के, आपने भी यकीन नहीं होगा हमारे पड़ोसी मुल्क में बेतहाशा फिल्मों में बहुत कॉपी किया है, और उसमें मैंने एक देखा था और इतनी बुरी वो कॉपी,
वो जो है जिसे आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं ना, वो भी उन्होंने किया है और जो फाइलें मिक्स होती हैं। आई थिंक दैट इज, कहते हैं ना कि इमिटेशन इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, सो इट्स ओके। नहीं नहीं, मतलब कॉम्प्लीमेंट तो बेहतर है, इट इज द कॉम्प्लीमेंट, वेरी वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट कि उनकी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो हमारे जम्मू की चीज का कॉपी कर रही है। बट ये कि अगर आपने कॉपी की तो नकल के लिए भी अच्छा चाहिए होती, तो इतने बड़े लेवल पर आप काम करते हैं, मगर आपने जो काम किया जो नकल उतारी वो इतनी घटिया और बोगस थी कि लोग परेशान हो गए। वो तो आई फील कि वो तो हॉलीवुड कहीं को ज्यादा याद किया जाता था कि यार वो जो उन्होंने किया था वो कहाँ है। बड़ा इसके अलावा एक बात, जब शुरू हुआ है तो पूरे पाकिस्तान की सड़कें जो खाली, वाकई जो एक जुमला हुआ था, इट स्टार्टेड विद कहीं। पर आज कॉम्प्लीमेंट से मुझे एक बहुत कमाल का वाक्य आज, चूंकि हम तीनों बैठे हुए जी, ये बात है 86 की जी। 86 में आई वॉज डूइंग अ फिल्म विद सलमा हवा इन लंदन, उस फिल्म का नाम था हम और तुम। हम और तुम, ठीक है जी। तो हसन अस्करी साहब उसके डायरेक्टर थे। तो खैर हम शूटिंग कर रहे थे, 10-15 दिन के बाद सलमा हवा की वालदा, क्योंकि वो वहीं पे लंदन में रहते थे, उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप और हसन अस्करी साहब ने कल शाम को हमारे घर में आना है, हमारे घर खास मेहमान आ रहे हैं। हम बड़े परेशान हुए कि भाई कौन है वो, आप बस आपका दिल खुश हो जाएगा आप ये। अब मैं और हसन अस्करी साहब, हमने कहा कि यार पता तो करें कौन आ रहा है, उस हिसाब से हम कपड़े शपड़े पहन के जाए। और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान से आ रहे। अच्छा, हिंदुस्तान से कौन आ रहा है, कुछ पता नहीं। खैर उन्होंने हसन अस्करी साहब ने शर्मा आगा से पूछ लिया कि कौन आ रहा है, उन्होंने कहा दिलीप कुमार। दिलीप कुमार साहब, यानी कि ऐसे हम मिलेंगे बैठेंगे बात कर, वो तो रात ही नहीं गुजरी। खैर शाम हुई, हम तैयार होकर हम चले गए, हम उनके घर में पहुंचे, सेंट्रल लंदन में वो रहते थे, तो क्रॉफर्ड स्ट्रीट मुझे याद है आज। तो हम जब पहुंचे फ्लैट में तो वो ऑलरेडी 10-15 मेहमान वहाँ पर थे, इसी तरह सामने सोफे पे वो बैठे हुए थे, दिलीप साहब थे, सायरा बानो और उनकी वालदा, तीनों बैठे हुए, और एक लाइन लगी हुई थी लोगों की जो दिलीप साहब से मिलवा रही थी उनकी वालदा कि ये फलां है ये फलां है। अब वो लाइन में हसन अस्करी मुझसे आगे और मैं पीछे। अच्छा। और हम खड़े में बस मैं ऐसे करके देख रहा हूँ दिलीप कुमार कुछ। अब ये उन्होंने कहा कि अब हसन अस्करी साहब, उन्होंने कहा जी ये मेरी बेटी जो फिल्म में काम कर रही है उसके डायरेक्टर हैं हसन अस्करी साहब, पाकिस्तान साहब। अच्छा अच्छा, बड़ी खुशी से हम आए। अब मेरी बारी आई, वो हटे, मैं सामने ऐसे खड़ा हूँ और मैंने हाथ पकड़ा दिलीप साहब का और मैंने बोला ये हीरो है, नया लड़का है, जावेद शेख इसका नाम है और ये मेरी बेटी के साथ ये फिल्म में ये आ रहा है। दिलीप साहब ने ऐसे मुझे देखा और ऐसे खड़े हुए और मुझे ऐसे गले लगाया, कह मैं तो इसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने कहा, अब मैंने कहा इनको गलत फहमी होगी, चलो कम से कम गले तो लगाया भाई। मैंने कहा, वो उनकी वालदा ने उनको उनसे रहा नहीं किया, उन्होंने कहा कि यूसुफ कैसे जानते हो भाई, ये तो अभी बेचारा अभी तो 2-3 फिल्मों में काम किया है। तो साथ में सारा बानो बैठी थी, वो कह गई लो भाई इनका अंक ही ऐसा थोड़ी है, 13 किस्ते सुने, 13 किस्ते मंगवाई हमने, क्योंकि उस वक्त स्मगल होकर आती थी, हमने 13 किस्ते मंगवाई अंक ही की और हमने सोचा कि मैं और यूसुफ डेली एक एपिसोड देखेंगे और 13 दिन में हम खत्म कर देंगे। कहती हमने शाम को शुरू किया और सुबह 7 बजे खत्म हुआ, 13 की 13 एक रात। एक कॉम्प्लीमेंट और भी है वो ये कि राज कपूर साहब ने अनकही और तनाइयां पर थीसिस किए हुए। बिल्कुल, तस्वीर मुझे याद है, तस्वीरत में हम मौजूद थे तो बात हो रही थी कि फिल्मों का मुकाबला कहाँ सा टेरे। तो उसके बाद राज साहब ने वर्बटम उठा के दोनों ड्रामों के एक एक सीन बताना शुरू कर दिए। आज भी कोई आदमी, मेरे ख्याल में शुएब को भी याद नहीं होगा, जिस तरह से उनको हयाज पर याद थे सीन, उन्होंने भी यही कहा कि अनकही उनकी तबीयत खराब थी, वो सारी रात बैठ के देखते थे अनकही, उनकी बीबी आरती कहती थी कि आप मत जागे, आप तबीयत खराब है, बाकी से नो। और उसके बाद फिर इसीलिए उन्होंने इनको ऑफर भी दिया। बिल्कुल। अच्छा, ये तो रही एक बात, मेरे हवाले से भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही, वो भी छोड़ दीजिए। बात अभी उन्होंने दलीप साहब की बात की है। दलीप साहब जब पाकिस्तान दूसरी दफा आए थे इमरान खान के लिए जी, फ्रंट रेजर के लिए, शौकत खान, तो कराची में जब तकरीब हुई तो शहदाज तो जो मेज़ें लगाई गई थी ना, तो उसमें सबको गिन के लगाया था, इतफाक की बात है कि उस मेज पर मेरी सीट भी थी, तो गोल मेज थी, बैठ गए सब लोग, कोई 8-10 लोग थे।
मेरे बराबर सारे मानव बैठी थे, उनके बराबर जाम साहब की बेगम बैठी थी, तलीब साहब मौजूद नहीं थे, बाकी मिनिस्टर बैठे, तलत भी बैठे थे। थोड़ी देर बाद तलीब साहब आए। अब ये इस टेबल को आप दुगना कर दीजिए, तो इस तरह से बैठे थे जैसे आप बैठे हैं ना सामने आए। तलीब साहब जब बैठ गए ना, तो उन्होंने मुझे गौर से देखना शुरू कर दिया। तो देखने के बाद मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, अब वो हाथ इस तरह से बढ़ा रहे हैं और मैं लेट गया हूँ आगे बढ़ने के क्योंकि इतने हाथ थे। उसे कहते हैं कि आप बहुत बढ़िया काम करते हैं। मैंने आपकी अनदेखी की। वाह, उन्होंने काफ़ी देर तक मेरा हाथ पकड़ रहा हूँ, कहा कि बहुत बढ़िया काम करते हैं। कमिंग फ्रॉम हिम, एक स्टूडेंट के लिए इतना बड़ा उस्ताद अगर अल्जुल्ला कह दे तो हमारे लिए तो किसी भी अवार्ड से बढ़ती था। बिल्कुल, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। अभी जैसे जावेद ने बताया ना कि इस तरह से वो मिले इनसे, उनको ये थोड़ी सी कहानी निकाल मुख्य है। उनको ये कैसेट अलकई का लंदन में दिया गया था, किसी खातून ने दिया था जाने वाली। ये लोग बॉम्बे आ गए तो देखना शुरू किया, उन्होंने देख लिया। उसके बाद उन्होंने उन खातून को कहा कि आप मुझे फ़ोन करके बताइए कि ये जो हसीना मोहित साहब आए हैं इनकी उम्र कितनी है। तो उन्होंने कहा यूसुफ भाई बुरी बात है, खबर पूछते हैं। तो कहने लगे नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं खत लिख रहा हूँ, अगर वो छोटी हैं तो मैं उनको दुआ लिखूँगा, अगर वो बड़ी हैं तो मैं उनको आदाब लिखूँगा। तो ये बातें जो है ना, ये अनकही की जब हम बातें करते हैं, वो अनकही की बातें वो बातें हैं जो अभी तक कही नहीं गई, जो अभी लोगों को पता नहीं चला है। पता, बिल्कुल। तो इस लेवल पे अगर एक प्रोग्राम उस लेवल पे पसंद किया जाता है, बिल्कुल, कि दो इतने बड़े महान अदाकार बड़े सखीर के, बिल्कुल, वो इस ड्रामो को डिस्कस करते हैं और इस तरह डिस्कस करते हैं जैसे उन्होंने इनके ऊपर थीसिस की हो। और ये बहुत बड़ा कंपनी देख रहा थी, 13 के 13 एपिसोड्स जो है एक गो में, एक गो में देखना बहुत बड़ी बात है। जो 2 घंटे उन्होंने फिर जो बातें की, और फिर ये ऐसा भी था जो आपके साथ रहता है, ये नहीं कि आजकल के ड्रामों की तरह कि देखा तो उसके बाद भूल गए कि क्या है। बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों के लिए स्पेशली आपके लिए एक बहुत दूर से फ्लोरिडा से किसी ने मैसेज भेजा है, हाँ, तो वो हम आपके साथ। My memories with Ankahi are amazing memories. Shehnaaz ke saath to treasured memories hai meri. I mean, mere sara tar scenes Shehnaaz ke saath were like tag along scenes which sab log uske andar halla gulla kar rahe hain. I am there as a Momo, Mariam. But the scene, the first scene, obviously the one jisme main baithi bhi hoon gaon mein और मेरी किसी बहुत ही हॉरिबल किस्म की रिश्ता कराया। मुझे जैसी अम्मी ने बताया ना कि तुम्हारी मम्मी हो रही, मैंने कहा मैं जरूर जाऊंगी। मामू और जिब्रान भी आए। जी, तुम्हारी अम्मी बहुत खुश है आज खिलाफ है मामू। जी, तुमने उसे देखा भी है जिसके साथ तुम्हारी मंगनी हो रही है? जी देखा है। कैसा है? खुद देख ले आप। मैं तो बहुत ज्यादा सोच रही थी, आई डोंट थिंक कि आई कैन डू इट। शहनाज इज द वन हु इज लाइक यू कैन डू इट, व्हाई कैन यू डू इट, ऑफ कोर्स यू कैन डू इट। इट वाज रियली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि ये इतना हिट होगा या इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी होगी। इट्स लाइक ऑलमोस्ट 40 इयर्स नाउ। आई मीन आई फेल्ट रियली प्रोटेक्टेड विद शहनाज। And to this day, I mean, she's this beauty that I was so inspired. Oh! इसे मिला था जब मैं अमेरिका गया था। हाँ जी। तो ये वाकई में अंकित को अभी तक याद करती है। इसकी स्टोरी ये थी कि मुझे हसीना ने कहा कि I'm introducing a character. She's ये इसका है सारा फील। Do you know anybody? और मुझे दिमाग में तबस्सुम आई। She used to live down the lane. उसी मोहल्ले में। एंड पे इनका घर था और इनकी अम्मी और मेरी अम्मी बहुत दोस्त थी और इनकी अम्मी का नाम भी शहनाज है। अच्छा। तो मैंने कहा वही है, मैंने उससे बात करती। शी वाज द एल्डेस्ट एंड शी हैड बाकी बहन भाई छोटे थे एंड हर फादर हैड पास्ड अवे व्हेन दे वर वेरी यंग एंड नानी थी इनके साथ। तो मैं जनाब कहीं, मैं कहा मैं बात करती हूँ, मिल तो लेते। हसीना ने कहा बिल्कुल ठीक है, तुम बात करो मुझे बताओ। मैं गई तो उनकी नानी ने कहा नहीं बेटा, हम इजाज़त नहीं दे सकते क्योंकि देखें इनके अबू भी नहीं हैं और बच्ची का टीवी पे आना और कल कल कोई कला शादी की बात हो ये वो, तो ये परेशानी ना हो। तो उन्होंने ना कर दिया।
मैंने नहीं इतना जान, मैंने कहा कि आप अम्मी जी, मैंने कहा छोड़ दें, मैंने कहा ये, मैंने कहा आपको मैं गारंटी देती हूँ कि माशाल्लाह शी विल बी सेटल्ड, शी विल डू सो वेल, मैंने पता नहीं क्या कुछ उनको कहा, कन्विंस्ड हर आफ्टर 5 डेज एंड इवेंचुअली हसीना मेट हर, हसीना ने कहा दैट्स द वन आई वांट, ओके देयर वी गो, ये किया. फिर इन कोई डॉक्टर साहब बैठे हुए थे फ्लोरिडा में, उन्होंने अनकही में इनको देखा, उधर से रिश्ता भेजा ले गए परदेश. और क्या मैं कहती हूँ, हर होल लाइफ चेंज. आई मीन ये तब शी वेंट अवे एंड ही इज सच अ फाइन मैन एंड केप्ट हर लाइक, कीप्स हर लाइक अ प्रिंसेस. एंड इनकी अम्मी अभी भी आती हैं, मुझसे मिलती हैं, कहती हैं कि अब तुम लोग सब चले गए, यू नो, बट शी वाज द फर्स्ट वन इन द फैमिली हु मेड दैट. आपने मुझे कहा कि मैं एक ऐसी पर्सनालिटी के लिए कुछ कहूँ जो मेरा चाइल्डहुड लव है. वो होता है ना कि आपकी फैंटेसी होती है, आप ऐसे कपड़े पहनेंगे, आप ऐसे होंगे और आप ऐसे देखेंगे और आप ऐसे बाल बनाएंगे. तो मैं तो उनसे उतना प्यार करती हूँ और मुझे नहीं पता कि आज जो भी कुछ है उसमें कहीं ना कहीं वो जरूर झलक होगी. लेकिन सबसे बड़ा लॉस तो हमारा ये हुआ है कि वो स्क्रीन पे नजर नहीं आती. तो इसलिए प्लीज आपसे हाथ बांध के गुजारिश है, वी लव यू एंड मिस यू शहनाज जी, प्लीज वापस आए. शहनाज शेख साहबा के बारे में तो जितना भी कहा जाएगा इसलिए भी कम रहेगा कि वो इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं. और बाकी उन्होंने काम जो लिमिटेड किया उसके बाद वो चली भी गई. तो आपको देखना चाहते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं हम. हमने बचपन में आपके ड्रामे देखे हैं और आपसे बहुत कुछ सीखा है. अभी जब हम भी काम कर रहे होते हैं तो कोशिश करते हैं कि आपकी थोड़ी सी कुछ ऐसी चीज़ हम कर सकें जिस तरह आपने की है, लेकिन बड़ा मुश्किल है. एंड ऑल द बेस्ट एंड बिग फैन. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम शहनाज शेख जी, आई एम अ ह्यूज फैन, वेरी एक्साइटेड कि आप आसिम के शो पे आ रही हैं. आपके आइकॉनिक परफॉर्मेंसेज अनकहीं और तन्हाइयां को देख देख के हम बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते रहे हैं और अब तक कर रहे हैं. सो वेरी एक्साइटेड टू नो मोर अबाउट यू एंड सी यू बैक ऑन द स्क्रीन. शहनाज शेख, आई मीन व्हाट अ लेजेंडरी एक्ट्रेस. आई विश वी हैड गॉटन टू सी मोर ऑफ हर परफॉर्मेंस एंड मे बी लर्न फ्रॉम हर एंड बट maybe there is a will, there is a way. And I would love to see her back on screen. Love, 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 love it. बहुत ही एक अच्छी खबर हमें सुनने को मिली इस वक्त कि आप इस शो पे आ रही हैं. और इस शो के साथ साथ हम चाह रहे हैं कि प्लीज़ 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 आप स्क्रीन पे भी वापस आएं, बिकॉज हम आपको देखना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं. एंड विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीथिंग इन लाइफ एंड लॉट्स ऑफ लव. अच्छा, जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि आपके लिए एक सरप्राइज गेस्ट है. अनकही के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे शोएब मंसूर साहब, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की बट ही वॉज वेरी बिजी. सो वी हैव अ मैसेंजर, एक स्टार गेस्ट मैसेंजर हैं जो उन्होंने उनको एक खत दिया है. तो आई वुड लाइक टू इन्वाइट हमारे जो सरप्राइज गेस्ट हैं, द वेरी टैलेंटेड सुपर स्टार इमरान अब्बास. अस्सलाम वालेकुम. यकीन नहीं आ रहा. आसिम, बहुत बहुत शुक्रिया. सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि एक ऐसी स्क्रीन का हिस्सा बनना जिसमें ये लोग बैठे हों जिन्होंने सही मानों में पाकिस्तानी ड्रामा की तारीख ख़त्म की है. मेरी खुशकिस्मती हो ही नहीं सकती थी कि मैं इन लोगों के साथ काम कर सकता. लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे एटलीस्ट उस स्क्रीन का हिस्सा बनाया जिसमें शकील साहब, जावेद शेख साहब और I'm so honored to be here and thank you so much once again. एक पैगाम आपके लिए शोएब मंसूर साहब ने भेजा. मुझे शहनाज की बहुत तारीफें करनी पड़ेंगी, कुछ तो इसलिए कि वो इस काबिल है और कुछ इस डर से कि कहीं वो 40 साल पीछे जाके अनकही की रिकॉर्डिंग ना रुकवा दे. आप हैरान ना हो, वो ये कर सकती हैं. इसकी शख्सियत की सबसे नुमाया बात ही यही है कि वो कुछ भी कर सकती. चंद महीने हुए जब मैंने उसे कई साल बाद देखा और वो काली ऐनक लगाए लाहौर DHA के एक बैंक में 15-20 कस्टमर्स को किसी बात पे डांट रही थी. उनमें हर उम्र के लोग थे लेकिन सब सहमे हुए सर झुकाए सुन रहे थे. वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत ब्लंट है, लेकिन इतनी ऑनेस्ट भी. जो उसके दिल में होता है ज़्यादा देर रुकता नहीं, या तो दिल में जगह कम पड़ जाती है या
दिल से जबान की बेचैनी देखी नहीं जाती और होनी होके ही रहती है। शहनाज के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं उसकी सिर्फ एक खूबी का जिक्र करूंगा जो कि मैंने अपने 40 साल का करियर में किसी और में नहीं देखी, और वो ये है कि उसे कभी इस बात की फिक्र नहीं हुई कि वो कैसी लग रही। इसकी सारी तवज्जो मेकअप और वार्डरोब के बजाय अपने रोल पर होती थी। काश उसने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले पूछा होता कि मेकअप और स्टाइलिंग कौन करेगा तो मेरे पिछले 40 साल इतनी तकलीफ में ना गुजरे। अनकही के दौरान मेरा और शहनाज का ताल्लुक रोलर कोस्टर की तरह रहा, इसलिए मुझे आज भी नहीं मालूम कि मुझे इस बात पर खुश होना चाहिए कि अनकही हम दोनों का पहला सीरियल था या इस बात पर मिठाई बांटनी चाहिए कि वो आखिरी था। ये तो मजाक की बात है, सच्ची बात यह है कि मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि मेरे होने ना होने से तो जरा भी फर्क ना पड़ता, लेकिन शहनाज ना होती तो अनकही ना होता। वाओ, प्लीज हैव अ सीट। एक जो डायरेक्टर होता है ना जी, वो आई थिंक दुनिया में जो डायरेक्टर्स होते हैं दे डोंट रियली कोई इस तरह से अपने एक्टर को नहीं देखते कि उनमें क्या है या किस तरह के हैं कि किस तरह के वो इंसान, वो सिर्फ ये देखते हैं कि वो एक्टर कैसा है और क्या ये एक्टर मेरी जो जेन में चीज है क्या ये उसको डिलीवर कर सकता है कि नहीं। दे डोंट थिंक बियॉन्ड दैट, वेरी फ्यू डू, and they're not very generous also with the compliments about their actors because we are just a part of the palette. hum unke liye ek brush hai ya paint hai to fill the colors jo unke zehen mein. ek second to Shoaib sahab ki is baat pe I am, is compliment pe I'll take it as a compliment, I am totally humbled ka matlab hai ki kuch aajzi si की फीलिंग आ गई है मेरे जी, एंड ही हैज बीन वेरी काइंड टू गिव मी दीज से दीज एंड राइट दीज वर्ड्स फॉर मी, एंड मैंने इसलिए पहनी है क्योंकि आईज आर द सोल, आईज क्या विंडोज टू योर सोल, आई डोंट वांट हिम टू नो इफ आई मीन ऑल दिस दैट आई एम सेइंग, दैट्स द डार्क ग्लासेस, बट ही इज अ यूनिक यूनिक मैन and a unique director, so always come up with very new ideas, and I was lucky that I worked with him. I think we were all the same age also at that time, and we all did well, and I wish him well, and I'll say thank you for this. Wow, wonderful. इस वक्त तक हमारी बस हो चुकी थी, हमने कहा कि बस अब ये खत्म हो सकता है, we were exhausted, थक गए थे। चलिए जी, अब मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, थैंक यू सो वेरी मच, हमने एक क्लासिक अनकही और तन्हाइयाँ एंड शहनाज शेख का एक हमारा तरफ से ये ट्रिब्यूट है जो हमने आपके लिए ये किया है, एंड आपने जो टाइम निकाल के जो कहीं नज़र नहीं आती किसी चैनल पे, और मुझे खुद लोगों ने अप्रोच किया है और इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट मुझे उन्होंने ऑफर किए कि शहनाज तुम्हारे चैनल पे भेजें, तो ये रिफ्यूज़ कर देती है, टिकट्स भेज देते हैं टर्की के कहाँ कहाँ के भी आ रहे, कहते हैं नहीं, तो PTV के लिए आ जाइए। थैंक यू सो मच शहनाज, थैंक यू, बताऊं मुझे एक जमाने में सवाल किया गया था कि अगर अब कहीं दोबारा बनाई जाए तो आप वाला रोल कौन करेगा जी, तो एक लम्बे के लिए तो मैं खामोश होकर समझ में आया कौन, तो मैंने कहा बहुत सोच के मैंने कहा भाई एक ही समझ में आता है लड़का, अब वह इमरान अब्बास। आपको ये महफिल कैसी लगी, शो पर आकर कैसा लगा सर, वो आपके तासुरात पूछना चाह रहा था। ये बड़ा अजीब सवाल है आपका, उसकी बात यह है कि अपने ही प्रोग्राम के हवाले से, अपने ही लोगों के हवाले से, अपने खुद के हवाले से अगर कोई बात करेगा तो आप उसके हवाले से क्या कह सकते हैं, सिवाय इसके कि वो सब चीज़ें आपकी दिल की बातें हैं, आपको अच्छी लगेगी, हमें यकीनन अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें इसी सबसे ज़्यादा अच्छा इसलिए लगा कि इतने अरसे के बाद हकीकत में कि शहनाज से मेरा बहुत पुराना लगाव है, और इसकी शादी में मैं वाहिद एक्टर हूँ जो शरीक हुआ था,
और कोई एक्टर भी शरीक हुआ था और उसके बाद से लेके हम बीच में मिलते रहे हैं। इस्लामाबाद में ये प्रोग्राम करती थी, हमने मेरे साथ प्रोग्राम किया, फिर बहुत लंबा बीच में वक्फ आ गया, फिर जब लाहौर गया तो फिर मैं मिला। मगर ये क्या है इस प्रोग्राम के लिए आपने, यू आर अ लकी मैन एंड यू आर अ रेयर पर्सन कि जिसने फाइनली इनको कन्विंस कर दिया कि ये प्रोग्राम में आए और आपने सारे प्रोग्राम की तरतीब दिया और सबको इज्तिमा कर जमा किया। तो ये कि मुझे हकीकत में बहुत खुशी इस बात की कि ये प्रोग्राम ना सिर्फ एक शना शेख हैं जिससे दोबारा हमारी इदा की मुलाकात हुई, पुरानी बातें डिस्कस हुई हैं, जावेद ने हमें एक शहर में रह के दिन मेबुल फातिह मसूरी के बना पे अबे इमरान आया, तो इस तरह से सारा प्रोग्राम बहुत अच्छा। मैं आई वांट टू आस्क एक सवाल आप लोग दोनों से, लेट मी आस्क हिम फर्स्ट के व्हाट वर यू थिंकिंग व्हेन यू गॉट द स्क्रिप्ट फॉर अनकही and you knew that there was going to be this person that had no background, who had never done any plays. aap log kya aap logon ne socha us, because you people were like knew your business, to aap logon ne kya socha ki ye kidhar ja jayega ye play, like what were you thinking? dekho main to khud us waqt naya tha, ye to sahi jawab aapko shakil sahab denge, but mujhe ye itna yakeen tha ki director jo hai wo, jaise aapne abhi kaha ki wo सब कुछ दे, ऐसे नहीं है उसने चूज किया आपको कि ये इतना बड़ा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो है शहनाज शेख से करवाऊंगा, और ये उसका काम था कि उसने आपसे ऐसा कैरेक्टर करवाया। तो हमें तो कॉन्फिडेंस, मैं तो पूरा मुझे यकीन था कि जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पीछे शोएब मंसूर और हसीना मोइन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर और फिर शहनाज तुमने किया भी ऐसा कमाल का, नहीं बिकॉज इट वाज सो, आई फेल्ट सो कंफर्टेबल जब मैंने इनके साथ, यू नो एक सेकंड इन्होंने मुझे ये नहीं फील होने दिया कि यू नो कि तुम ऑफ हो या कुछ इस तरह से, कभी हुआ आप लोगों को इस तरह से? व्हाट वर यू थिंकिंग? तो ये मुझे पता था कि जब डायरेक्टर किसी के ऊपर नजर रखता है तो उसके जहन में जो कुछ होता है, और उस जमाने में जो लोग काम करते थे, जो उनकी माइंड सेट था, उस हिसाब से मुझे अंदाजा था कि अब अगर इन्होंने शहनाज शेख को दिया है तो शहनाज शेख को किसी ना किसी वजह से दिया है, और कोई वजह यही होगी कि शी विल fill in the blank, she will live up the character. And I feel ke, to be very honest, Shoaib Mansoor didn't know me at all. Yeah. I don't know, it was the biggest gamble I think that he took. Haseena Apa being a writer, she was with him, you know. She came, they both came to my house. Dono aaye, unhone mujhe ye kaha, so I mean they didn't know me. मुझे तो हसनात अहमद ने, मैंने कॉलेज का एक ड्रामा किया था, उधर से कहा था वो एक है मेरी स्टूडेंट है, वो आजकल कराची गई हुई है मिलने के लिए अपने, उधर जाके उनसे बात करो उससे। जब मैंने कहा हाँ ठीक है मैं करूँगी, ठीक है ना, तो मैंने कहा छुट्टियों पे आए हुए पार्टी राय खत्म हो जाएगा, तो फिर मैंने कहा अच्छा ये मुझे बताया पैसे कितने मिलेंगे, हमें तो पॉकेट मनी का होता था स्टूडेंट्स थे हाँ हर वक्त, तो ही सेड के हमारा तो फिक्स्ड होता है पाकिस्तान टेलीविजन की कैटेगरीज होती है उसमें हम आपको देंगे। मैं कितना होता है, दोनों ने हसीना ने और शहर ने को खुसर फुसर किया, उन्होंने कहा जी अच्छा फिर हम आप ऐसे करेंगे हम आपको ए कैटेगरी पे ही देंगे। मैं कहा कितने, उन्होंने कहा 800 रुपीज़। मैंने कहा 800 रुपीज़ तो कितना काम करना पड़ेगा, उन्होंने कहा इतना होगा इतना काम, और मैंने कहा 800 रुपीज़। तो फिर खुसर फुसर खुसर फुसर जी यही दे रहे, दिस इज द हाईएस्ट यू नो, और ही सेड अच्छा एक मिनट ठहरे मैं बात करता हूँ अकाउंट्स वालों से। ही सेड अभी दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग शोएब, उठ के चला गया जी मैं फोन कर लूँ, तब वो लैंडलाइंस होती है, अंदर से वापस आया और कहते हैं जी वो आप उनसे हमारी मेरी बात हो गई है, उन्होंने कहा है हम आपको 1200 देंगे। मैं हाँ अच्छा अब हो क्या रहा, जब प्रोग्राम शुरू हुआ 800 का चेक मिलता था मुझे और लिफाफे में 400 रुपए कैश ना, तो मैंने 2-3 तो मैं ले लेती थी रख लिए, एकदम से मुझे ख्याल आया कि ये मुझे कैश 400 क्यों दे रहे हैं यू नो अलग से, तो मैंने किसी को पूछा इनमें से किसी को कि ये ऐसे होता है, तो इन्होंने कहा कि नहीं ऐसे तो नहीं होता, सबको चेक ही मिलता है। पता क्या लगा कि शोएब ने अपनी जेब से 400 रुपए डाल के दे रहा था कि मैं कहीं छोड़ के ना जाऊं, बिकॉज़ ही वांटेड मी टू डू दिस कि लड़की उखड़ ना जाए। तो वो देर उसमें फिर जब मुझे पता लगा कि, और उस जमाने में क्या इनकी बेचारों की प्रोड्यूसर्स की सैलरी, आई रिमेम्बर ही वाज जस्ट पेड 4000 रुपीज और समथिंग एंड ही वाज फ्रॉम बीइंग फ्रॉम लाहौर लिविंग इन कराची यू नो आई रिमेम्बर, और उसमें से 400 रुपए इज अ बड़ी रकम यू नो, एंड उस जमाने में आई एम टॉकिंग अबाउट नियरली 40 years ago, तो उस पर फिर लड़ाई होगी मेरी शोएब से कि हाउ डेयर यू गिव मी दिस एक्स्ट्रा मनी, यू थिंक आई एम अ बेगर और ये और
फकीर हूँ, तुमने मुझे क्या ऐसे, उस पर भी लड़ाई हो गई है. तो देन आई स्टार्टेड टेकिंग, आई थिंक सेकेंड या थर्ड एपिसोड के बाद आई स्टार्टेड टेकिंग द It was the most amazing magic working as a team. Thank you so much, sir. बहुत शुक्रिया इमरान आपका, बहुत शुक्रिया आपकी स्पेशली इस्लामाबाद से ये डाकिया बनकर तो आपके इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो स्पॉन्सर्स हैं उन्होंने आपके लिए ये खूबसूरत सा तोहफा भेजा है. सुरमा जी आइए प्लीज, ये आपके साथ जाएगा स्मार्ट टीवी. थैंक यू सो मच हाशमी, बहुत बहुत शुक्रिया. ये आपके लिए स्पेशली जब मैंने उनको बताया कि भाई वो इतने शॉर्ट नोटिस पे अपनी फ्लाइट आगे करके आ रहे हैं, उनका के बिल्कुल ये आपके लिए. थैंक यू सर, प्लीज हैव अ सीट. और जब हम इंटरनेट पे यूट्यूब पे देखते हैं, मैंने उस नासिम को बल्कि मैसेज किया था कि जब रीरन पीटीवी पे मैंने देखा तो उसमें बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं थे. नहीं, हाँ, बहुत खूबसूरत सीन आपको एसआरसी के उस पे नहीं मिलते, यूट्यूब पे नहीं, यूट्यूब पे. और ये हाशमी काजल की तरफ से जब मैंने उनको बताया कि शहनाज शेख आ रही है हमारे शो पर, तो ये 50 इंच का स्मार्ट टीवी आपके लिए उन्होंने भेजा. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा दिन है कि मैं इतने अरसे से शो की तैयारी कर रहा था और प्लानिंग कर रहा था, लोगों के कमेंट्स, आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, मरीना को बुलाना एक अलहदा से मरहला था, फिर इन लोगों को इकट्ठा करना, फिर इमरान को, शबाना, बेंजामिन, यू नो, और ये सारा आई वुड लाइक टू थैंक जो मेरी टीम है पाकिस्तान टेलीविजन की, हमारे प्रोड्यूसर प्रोग्राम मैनेजर अमजद साहब, पूरा मेरा क्रू यहाँ पर जो है, हमारे टेक्नीशियंस, हमारे कैमरामैन, लाइट, हमारे म्यूजिशियंस, वी मस्ट क्लैप फॉर द म्यूजिशियंस. बहुत अच्छा इन्होंने तन्हाई का वो किया, एक चीज जो हमने क्रिएट करा. आर यू श्योर आसिफ, आर यू श्योर यू आर गोइंग टू स्टार्ट ट्राइंग आफ्टर अ ईयर? नहीं नहीं, इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद भी ये सब लोग यहाँ मौजूद हो और ये चीज आगे दोबारा दोबारा बढ़े. वी कैन नॉट गेट एनफ ऑफ ऑल. नहीं बिल्कुल, मैं चाहूंगा आप कुछ कहें. इट्स बीन अ अमेजिंग ट्रिप डाउन मेमोरी लेन. यादें, पुरानी यादें, दोस्त, इट्स ब्रॉट बैक अ लॉट ऑफ नॉस्टैल्जिया. And abhi bhi when I sort of was coming down the corridor, you know, it starts the minute you enter the place. So I think I'm glad I did this. And aajkal ke waqton mein koi pata nahi kaun kidhar hai, kal ka nahi pata. So I'm happy that I got to meet all of them. I don't know if it's going to be happening again or maybe, I don't know. But it's good that it's happening now. So aaj behtar hai, aaj achha hai, aaj sab theek hai. मैं एक बात कहना चाहूँगा कि शहनाज़ पर्टिकुलरली यू, वी हैव मिस्ड यू, वी हैव हैड अ ट्रेमेंडस ईयर गोइंग विद यू. इंशाल्लाह टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू. यू आर एन एसेट एंड यू वर एन एसेट, यू विल बी एन एसेट. थैंक यू शेख साहब. आपके थॉट्स? आसिम ये कहता हूँ कि ये एक ऐसी कहानी है, ये अनकही भी आप से गिरा है. इतना कम टाइम है इतनी इसे गुफ्तगू करने में, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये तो अभी अभी कुछ ही मिनट गुजरे हैं और ये बहुत कम टाइम है. इस पे तो हम पता नहीं कितने वीक, कितने स्पेशल वीक गुफ्तगू कर सकते हैं इसके ऊपर. इतनी मेमोरीज, बहुत. फिर भी बारह ये क्रेडिट आसिम आपको जाता है कि आपने इसको कंसीव किया, कि सबको कैसे इकट्ठा किया और सब इस वक्त बैठे हुए हैं और ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ है जो याद रहेगा लोगों को. माशाल्लाह अल्लाह मियां तुम्हें भी जिंदगी दे, सलामत रखे. एंड इमरान आपकी जो एक स्पेशल एंट्री हमने कंसीव की, क्यूट, इतनी दूर से एक ऐसा सीरियल जिसने सही मानों में एक्टिंग सिखाई बहुत सारे लोगों को, हमें प्यार करना सिखाया, लड़कियों को शोखी सिखाई, वुमेन एम्पावरमेंट सिखाई और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें. इतने प्यारे नाम, इतनी खूबसूरती से उन्होंने सब कुछ, हसीना मूवी की राइटिंग में क्या खूबसूरती थी कि अनकहे लफ्ज़ों में वो सारी बातें कह जाती थी जो आज इतना कुछ बयान करने के बाद भी लोग नहीं इकरार कर पाते. इतना अनसेड रोमांस, इतना खूबसूरत नुआंसेस, इतनी इंट्रिकेट डिटेल्स विद
टाइमलेस सेवा जो कि अनकहीं दोबारा नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता. और आसिम, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग ऑल दोज मेमोरीज अगेन टुगेदर, फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग स्क्रीन. शनाज साहिबा जी, मैं तो आपका कॉलेज में जब आपको मैं देखता था तो मैं बस स्पेल बाउंड हो जाता था. और आज मैं बहुत, मेरी सारी एक्टिंग का करियर, सारे काम एक तरफ, आज का जो मोमेंट है, आई वुड ऑलवेज चेरिश दिस मोमेंट. आई थिंक इट हैज टच्ड द न्यू जनरेशन दैट वी मस्ट हैव ऑल डन समथिंग राइट. कुछ अच्छे ही किया होगा जो अब हम ये यंग लोगों को कुछ चीज टच करते. मैं तो आई एम शिवरिंग, मैं कुछ कह नहीं सकता. आसिम को पता है कि अभी 2-3 साल दोबारा लग जाएंगे टू गेट हियर, एंड आई थिंक ही हैज बीन वेरी पैशनेट अबाउट दिस फॉर मेनी इयर्स. और ये सोचना कि पता नहीं दोबारा कब होगा, तो इसलिए आप बस एक उम्मीद देती जाएं आप लोग कि दोबारा मिलेंगे. नहीं, हम कट्ठे मिलके एक फिल्म बनाएंगे. आपके बहुत फैंस हैं, एंड आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ इट, बट आई हैव नो डाउट व्हेन आई से दैट आसिम हैज टू बी योर बिगेस्ट फैन. He is. और मुझे भी इनसे बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, आई हैव अ वेरी क्लोज बॉन्डिंग विद हिम. सेंसिटिव आदमी, और देखो दिल से करता है काम, दिल से करता है. ये पिछली दफा भी एक प्रोग्राम किया था, ये बहुत मेहनत करता है. थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हाजिर होंगे. इतना अच्छा प्रोग्राम, आई थिंक दिस इज द फिनाले, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता. आई थिंक हमारी ऑडियंस इतने अरसे से लुक फॉरवर्ड कर रही थी इस स्पेशल के लिए कि अब लोगों को विड्रॉल्स होंगे, नाउ दैट इट्स ओवर एंड डन विद, ऑन एयर आ गया, तो अब लोगों को लगेगा देयर इज नथिंग एल्स टू लुक फॉरवर्ड टू, है ना. नहीं, बट देन लाइफ हैज टू गो ऑन. यस, सो जी, थैंक यू सो मच. अपनी दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह.